Hello student, welcome to SRP Institute. Today we are going to see features of microeconomics. So what is microeconomics that we are learnt in previous lecture? So you have to search that lecture in our videos. Today we are going to see features of microeconomics. Okay. So study of individual units. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बड़े बेसिस पे करते हैं, नेशन वाइड बेसिस पे करते हैं. तो इसमें क्या किया जाता है, इंडिविजुअल यूनिट्स क्या रहते हैं, हाउस होल्ड इनकम, घर का जो इनकम रहता है वो, हाउस होल्ड इनकम, पेमेंट्स, बिल्स, और क्या आएगा, हाउस होल्ड इनकम, पेमेंट्स, बिल्स, और जो भी लाइट बिल होता है उसका जो इकोनॉमिक्स होता है कि हमने कितना लाइट यूज किया, किस वजह से इतना ज्यादा बिल आ गया, तो सब ये इसी में आता है. जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका जो पूरा हम महीने का पूरा बनाते हैं लिस्ट सामान का, तो उसमें कितना हमको डिस्काउंट मिलता है, क्या मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, प्राइस में आ जाता है. तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स हम क्या करते हैं, और इसमें अजम्पशंस किया जाते हैं कि अगर किसी इंसान का किसी छोटे से एरिया का अगर इनकम निकालने का है लोगों का, तो अज्यूम किया जाता है कि सारे लोगों का इनकम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. क्या होगा, कांस्टेंट होगा. नेक्स्ट आता है प्राइस थ्योरी. प्राइस थ्योरी मतलब क्या. तो प्राइस थ्योरी मतलब हम जो भी चीजें रहती है हमारी, जो भी कमोडिटीज है, क्या है, कमोडिटीज है, सर्विसेज है, उस पे क्या करते हैं, हम प्राइस थ्योरी लगाते हैं. अभी प्राइस डिसाइड कैसे किया जाता है तो वो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है, फिर भी इधर एक्सप्लेन करेंगे. प्राइस थ्योरी मतलब जो प्राइस होता है, जैसे कि क्या होगा, ये डस्टर है. क्या है, ये डस्टर है. तो ये बनाने के लिए कितना पैसा लगा, कितना रुपया लगा, इसका कॉस्ट क्या है, बनाने के लिए इसका कॉस्ट क्या है, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट रहता है, प्रोडक्ट कॉस्ट रहता है, लेबर कॉस्ट रहता है, सबका कॉस्ट रहता है. तो ये बनाने के लिए कितना रुपया लगा, तो पहले बात तो आता है ये लकड़ी. तो लकड़ी बनाने के लिए कितना रुपया लगा, ये जो स्पंज है वो खरीदने के लिए कितना रुपया, फिर इसके ऊपर जो प्रोसेस हुआ, ये लकड़ी को तराशा गया, पॉलिश किया गया, पेंट किया गया, फिर ये स्पंज इसके ऊपर चिपकाया गया, तो उसमें कितना खर्चा हुआ, ये किसमें आता है, फैक्ट्री कॉस्ट में आता है, लेबर कॉस्ट में आता है. तो ये सब मिला के इसके ऊपर प्रॉफिट लगा के कितना रुपया होता है, ये कहां से पता चलता है, प्राइस थ्योरी से. किससे, प्राइस थ्योरी से. सेम विद सर्विसेज, सर्विसेज रहते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, ये सब टीचिंग मैं सर्विस दे रहा हूं आपको, तो मैं एक चार एक सेशन का कितना पे करूंगा, तभी कितना पे करके लूंगा, ये किस में आता है, प्राइस थ्योरी में आता है. प्राइस, अब देखेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम. थर्ड पॉइंट क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम. अभी पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या हो गया, जो भी जो फैक्टर्स रहते हैं, क्या रहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या आता है, जो भी फैक्टर्स रहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे क्या हो गया, अगर मैं कंज्यूमर हूं तो जो फैक्ट्री ओनर है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोडक्शन करता जाएगा. लेकिन मैं एक ही कंज्यूमर हूं, अगर आपका एक एरिया है जैसे मुंबई है, मुंबई में अगर कितने लोग होंगे, लेट्स से एक एरिया है जिसमें 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को क्या है, साबुन लगता है कि नहीं साबुन, तो लोग क्या करेंगे, जो फैक्ट्री ओनर है वो 1000 साबुन ही प्रोडक्ट करेगा क्या, नहीं. लोगों को एक लोग, एक घर में कितने लोग रह सकते हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उस हिसाब से फैक्ट्री ओनर को प्रोडक्शन करना पड़ेगा. ये फैक्ट्री ओनर कम प्रोड्यूस किया, लॉस है. फैक्ट्री ओनर ज्यादा प्रोड्यूस किया तो भी लॉस है. तो जो इक्विलिब्रियम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जितने कस्टमर है, जितने कंज्यूमर है, उतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए. नहीं तो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो लॉस होगा, कम प्रोडक्शन हुआ तो भी लॉस हो जाएगा. तो ये इसको क्या कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो बैलेंस ऑफ फैक्टर्स, हमने क्या किया, हमने फैक्ट्री डाला, तो फैक्ट्री में कितने लोग हैं, अगर फैक्ट्री में
लेट से कि 10 लोग है और 10 लोगों का जरूरत नहीं है, फिर भी हमने 10 लोग रखे, तो हमारा क्या होना है? लॉस होना है। अगर प्रोडक्शन लेट से कि 10 साबुन बनाने के लिए एक लेबर लगता है और हमने 2 रखे, तो क्या होगा? हमारी कंपनी का लॉस होगा। सेम विद एवरीथिंग, पार्शियल इक्विलिब्रियम का कहना ही यही है कि आपके दोनों फैक्टर्स में, कंज्यूमर में, बायर में और सेलर में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। चौथा पॉइंट देखते हैं, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। तो जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस है वो? माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करता है कि जो इंसान है, कंज्यूमर है, उसका क्या है? इनकम है, वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये अज्यूम किया जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर जो पर्सन का इनकम है वो क्या है? कांस्टेंट है, जो कि नहीं रहता है, लेकिन हमको क्या अज्यूम करना है इसके अंडर। ओके, जो एक्सपेंडिचर है लोगों का, खर्च करने का ताकत है, वो क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या करने का है? हमको कांस्टेंट रखने का है। जो सेल है हमारा वो भी क्या है? कांस्टेंट है, ऐसा अज्यूम करने का है। जैसा कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? अज्यूम करने का है। फिफ्थ पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड क्या है? स्लाइसिंग मेथड क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक के अंडर स्लाइसिंग मेथड आता है। अभी ये स्लाइसिंग मेथड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। स्लाइसिंग मेथड मतलब अगर एक सब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक कमोडिटी है या फिर कोई भी एक थ्योरी है, तो ये क्या करेंगे हम लोग उसको, अगर प्रोडक्ट प्राइसिंग है, लेट्स से कि प्रोडक्ट प्राइसिंग है, तो उसको क्या करने का है? हमको पार्ट्स में डिवाइड करने का है, स्लाइस करने का है, वो पूरे टॉपिक को स्लाइस करने का है और उसको अलग अलग क्या करने का है? स्टडी करने का है, समझा? तो ये स्लाइसिंग मेथड है कि एक पूरा सब्जेक्ट को ना पढ़ते हुए वो पूरे सब्जेक्ट को स्लाइस करके हर एक पार्ट को इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे तो क्या होगा? हम उसको इफिशिएंटली स्टडी कर पाएंगे, इसलिए स्लाइसिंग मेथड यूज होता है। जो कि हम पूरा सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं कर सकते हैं, हमको क्या करना है? पूरे सब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने का है या फिर स्टडी करने का है। आप पढ़ाई में भी ऐसे ही करते हो ना, या फिर पूरा पढ़ लेते हो, रट लेते हो, याद रहता है क्या? नहीं। तो हमको क्या करने का है? हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से स्टडी करने का है, इसलिए ये स्लाइसिंग मेथड यूज होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, उसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ वेरिएबल। स्टडी ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब लैंड, फैक्ट्री, लेबर, ये क्या है? वेरिएबल है। कंपनी में क्या है? वेरिएबल है। तो मार्जिनलिज्म मतलब क्या होता है? अगर प्रोडक्शन इतना है तो जो मार्जिन होता है, प्रोडक्शन इतना है तो मार्जिन होता है लेबर का, वो भी उतना ही होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन कम है, लेबर ज्यादा ले रही है, लेबर ज्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, कंपनी का नुकसान होना है, तो इसमें क्या होता है? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल में इसका स्टडी किया जाता है। ये कि इक्विलिब्रियम और मार्जिनलिज्म में ज्यादातर फर्क नहीं है। सातवां पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट स्ट्रक्चर को हमको स्टडी करने का है। आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, वो अपना बिजनेस डालते हैं, जो स्टार्टअप रहते हैं वो करते हैं और अंत में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनको मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं होता है। क्या करने का? हमको मार्केट का स्टडी करने का है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेने का है। अगर आपको छाते का दुकान डालने का है, अम्ब्रेला छाते का दुकान डालने का है, तो आप कहाँ पे डालेंगे? मेघालय में डालेंगे या फिर केरला में डालेंगे, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे डालेंगे? गुजरात ऐसे रेगिस्तान में डालेंगे क्या कहीं पे छाते का दुकान? नहीं डालेंगे, है ना? वैसे ही बात है, अगर आपको विंटर जो ये रहता है, वुलन क्लोथ्स रहते हैं, वुलन क्लोथ्स जो ठंडी के समय में यूज करते हैं, तो वो उसका दुकान आप कहाँ पे डालेंगे? महाराष्ट्र में डालेंगे, साउथ में, तमिलनाडु में डालेंगे? नहीं डालेंगे। वहाँ पे तो लोग लुंगी पहनते हैं, क्यों? वहाँ का वेदर हॉट है। तो ये जो जो भी वुलन क्लोथ्स है वो आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं? आपका मार्केट कहाँ पे है? आपका मार्केट महाराष्ट्र में है क्या?
केरला में है क्या, तमिलनाडु में है क्या? नहीं, आपका मार्केट कश्मीर में है, कुल्लू मनाली, ऐसे ठंडे इलाके में है ना। तो ये क्या होता है, स्टडी, मार्केट को स्टडी करने का होता है काम को। वैसे ही क्या है, और आपको उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे कि जो साड़ी रहता है, दो साड़ी कहाँ पे ज्यादा यूज होता है, जैसे कि महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में ज्यादातर साड़ियाँ यूज होता है, नॉर्थ स्टेट्स में साड़ियाँ यूज होती है क्या? क्लोथ्स के बारे में भी वैसा ही, अगर आप कन्याकुमारी में जाएंगे तो वहाँ के लोग साउथ में लोग क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। वही लुंगी अगर आप ऊपर कश्मीर वगैरह में बेचने जाओगे तो लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। दोनों मार्केट क्या है, अलग है। तो हमको क्या करने का है, एनालाइज करने का है मार्केट का स्ट्रक्चर। उसमें क्या आता है, पॉपुलेशन आता है, पॉपुलेशन भी मैटर करता है ना। अगर आप केबल नेटवर्क डाल रहे हो, गांव में सिर्फ 10-12 घर है, तो केबल नेटवर्क डालते मतलब है क्या? नहीं, कितने लोग चाहिए, कम से कम 500 लोग चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। 10-12 लोगों में आप केबल नेटवर्क डालेंगे, नहीं डालेंगे, ऐसा है, पॉपुलेशन है, लोगों का इनकम है, लोगों को इनकम है। जैसे कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग कम कमाते हैं, तो उस एरिया में जाके आप महंगे प्रोडक्ट बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते। तो मार्केट को आपको अच्छी तरह से क्या करना है, स्टडी करना है। लोग कहा, लोग कैसे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर में आगे हम ये पढ़ेंगे कि लोगों का बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर कैसा रहता है, उस हिसाब से हमको एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तभी हम इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आठवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड स्कोप। माइक्रो मतलब क्या, छोटा, तो लिमिटेड स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। क्यों लिमिटेड स्कोप है, क्यों लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड स्कोप नहीं है, वाइड स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, लिमिटेड स्कोप है। तो ये सब फीचर्स थे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लीजिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाइए।